بسم الله الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तलावत कलाम पाक को सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. रब्बी ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन. अल्लाह के नाम से आज हम शुरू कर रहे हैं दौरा कुरान को. आज हम पढ़ेंगे इस कुरान को, पहले पारे को. पारा नंबर एक है. थोड़ी सी कुरान की फजीलत को देख लेते हैं कि कुरान जो है बाबरकत किताब, बरकत वाले महीने रमजान में नाजिल हुई है, बरकत वाली रात लैलतुल कदर में नाजिल हुई है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है जिन पर ये नाजिल हुई है, और बेहतरीन उम्मत उम्मत मुहम्मदिया जो है उनकी ये किताब है. तो कुरान, सैयदना उमर फरमाते हैं कि अल्लाह इस किताब के जरिए, हदीस रसूल है, सैयदना उमर रावी हैं, फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत से लोगों को बुलंद करता है और उस इसके जरिए बहुत से लोगों को पस्त और जलील करता है. सही मुस्लिम से ये हदीस है. और अबू अमामा बाहली रावी हैं, हदीस रसूल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये कियामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सफाची बनकर आएगा. सही मुस्लिम से ये हदीस है. और अबू मूसा अशरी रावी हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कुरान का हक अदा करो, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ये कुरान मजीद ऊंट से ज्यादा भागने वाला और अपने बांधने वाले से. सही मुस्लिम से ये हदीस है 1844 नंबर की. और इसी तरह की हदीस आई है सही बुखारी में भी. इब्ने मसूद फरमाते हैं, रावी हैं, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान का पढ़ना जारी रखो, क्योंकि ये इंसानों के दिलों से भागने में ऊंट से भी ज्यादा तेज है. सही बुखारी की हदीस है 5033 नंबर की. तो कुरान करीम, इसके बहुत से असमा हैं जो इस कुरान में आए हैं, इसको हम कुरान कहते हैं. इस बाबरकत किताब को, इसका नाम फुरकान भी आया है, इस किताब में तंजील भी आया है, जिक्र है, किताब है और नसीहत है. ये नाम है जो कि कुरान मजीद में कुरान के लिए आए हैं.
कुरान मजीद जो है वो 22 साल 2 माह और 22 दिनों में नाजिल हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में लैलतुल कदर को यक्समाने दुनिया पर ये नाजिल हुआ। लोहे महफूज से बैतुल इज्जा यानी दुनिया के करीबी आसमान पर, जब हम कहते हैं कि बरकत वाली रात यानी लैलतुल कदर में नाजिल हुआ तो लोहे महफूज से बैतुल इज्जा पर ये नासिल हुआ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सूरह अंबिया अल अंबिया की आयत नंबर 10 है कि कुरान मजीद में क्या है, वलकद अनजलना अलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून, और बिलाशुबा हमने इस किताब को तुम्हारी तरफ नाजिल किया इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, अफला ताकिलून क्या फिर तुम अकल नहीं रखते। तो इस किताब में क्या है, इंसान का ही जिक्र है, इंसान के लिए हदायत है, जिंदगी गुजारने का उसका तरीका है। और सूरह और यहाँ पर हम देखेंगे कुरान को पढ़ने के मुख्तसरन अदाब को देखेंगे। पहला अदब क्या है, कालू समीना वातौना के वो कहते हैं हमने सुना और इताअत की, तो इसका पहला असूल है सुनो और इताअत करो। जैसा कि यहूद ने कहा था समीना वासैना, तो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा समेना व अताना के हमने सुना हमने इताअत की। तो ये इस कुरान को सुनने का पहला असूल है कि हमने सुना हमने इताअत की। और दूसरे नंबर में हम देखते हैं वाइजा कुरियल कुरान फस्तमिउ व अंसितु लअल्लकुम तरहमून, ये जब कुरान जो है उसकी तिलावत की जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोशी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह अल इराफ की आयत नंबर 204, तो ये इसका दूसरा असूल है कुरान को सुनने का के इसको तवज्जो से सुना जाए और खामोशी इख्तियार की जाए ताकि अल्लाह ताला जो है वो इसके जरिए से रहमत जो है वो नाजिल करे। जैसा कि मुशरिकीन मक्का कहते थे इस कुरान को ना सुनो इसमें शोर पैदा करो। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 26 है, तो कुरान को तवज्जो से सुनो और खामोशी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम दिया जाए। और फिर हम देखते हैं कि कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ा करो। सूरह नखल की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब कुरान की तलावत करो तो अल्लाह की पनाह तलब करो शैतान मर्दूद से। तो कुरान को पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह से इसका इब्तदा करनी है। और फिर हम देखते हैं कि हर काम की इब्तदा जो है वो बिस्मिल्लाह से करो। सूरह नमल की आयत नंबर 30 है, तो हर सूरह की इब्तदा जो है वो बिस्मिल्लाह से की गई है कुरान में। फातिहा से हम इसको शुरू करते हैं, पारा नंबर 1 सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा जो है वो मक्की सूरत है, 7 आयात हैं इसमें और 1 रुकू है सूरह फातिहा का। फातिहा के मानी है आगाज करना इब्तदा करना। सूरह फातिहा के और भी बहुत से नाम हैं, जैसा कि इसका नाम है उम्मुल कुरान, जैसा कि इसको अस्सला कहते हैं, अशिफा कहते हैं, सबा मसानी कहते हैं, और रुकैया भी इसका नाम है, इससे दम किया जाता है। सूरह फातिहा जो है इसमें शिफा है, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, ये सब सूरह फातिहा के नाम हैं। और असला इसका नाम है, इसको असला भी कहते हैं क्योंकि नमाज इसके बगैर जो है वो अदा नहीं होती, जैसा कि हदीस है, हदीसे कुदसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने सलात यानी नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया। मुसनद अहमद से ये हदीस है, यानी ये सूरह फातिहा जो है वो आदि हमद है और आदि दुआ है। शुरू कर लेते हैं हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो जहानों का पालने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्या है? मिजान को भर देता है, हदीस है, और सब जहानों के पालने वाला है। तो सारी तारीफें अल्लाह के लिए है क्योंकि वो सब है, सारे जहानों को पालने वाला, एक जहान नहीं बल्कि सारे जहानों का पालने वाला है। अर रहमान रहीम, वसी रहमत वाला, निहायत रहम वाला है। तो वसी रहमत वाला और निहायत रहम वाला है, यानी उसकी रहमत जो है वो जारी और सारी है। और रहीम है तो मोमिनों के लिए वो यौमे क़यामत, यौमे आखिरत में रहीम बन जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, बदले का दिन का वो मालिक है। तो बदले का दिन जिसमें जजा और सजा का फैसला होगा, उसका अल्लाह ताला जो है वो मालिक है। अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है, इसलिए क्या है? सारी तारीफें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं। इय्याक नअबुदू व इय्याक नस्तईन, के हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इबादत हम अल्लाह की करते हैं और मदद भी हम उससे मांगते हैं। तो बंदा दुआ कर रहा है अल्लाह से मदद की कि तू मेरी मदद कर दे। दुआ कर रहा है कि जो मैं इबादत कर हूँ, इस इबादत करने में भी मेरी मदद फरमा। इदिन सिरात अल मुस्तकीमा, और सिर्फ और हमें सीधे रास्ते पर चला। इदिन सिरात अल मुस्तकीमा, सिरात मुस्तकीम से मुराद जो है वो क्या है? इस्लाम है। सिरात मुस्तकीम से मुराद इस्लाम का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। कि तू इस रास्ते पर चलने में मेरी मदद फरमा। सिरात लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर ना तो गुस्सा किया गया और ना ही वो गुमराह हैं। तो बंदा अल्लाह से मदद मांग रहा है कि मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला दे जिन पर तूने इनाम किया, यानी अपनी जन्नत वाजिब की जिन पर, उन लोगों के रास्ते पर यानी अंबिया के रास्ते पर, सदीकैन के रास्ते पर, सवालहीन के रास्ते पर, शोहदा के रास्ते पर तू मुझे चला दे। लेकिन उस रास्ते पर मुझे ना चलाना, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, तेरा गजब नाजिल हुआ, या वो लोग जो के गुमराह हैं, तो उन लोगों के रास्ते से मुझे बचा लेना। वलज़्ज़ालीन आमीन, यहाँ पर हम हदीस रसूल से देखेंगे। वाइल बिन हजर रावी हैं इस हदीस के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ालीन कहकर आमीन कहते थे और आवाज दराज करते थे। सुनन अबू दाऊद से ये हदीस है और जामिया तिर्मिज़ी से ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ुआलीन कहकर आमीन कहते थे। सूरह बकरा मदनी सूरत है, इसमें 286 आयात और 40 रुकू हैं। फजीलत को देखेंगे हदीस रसूल से कि अपने घरों को कब्रे ना बनाओ, जिस घर में ये पढ़ी जाए यानी सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है कि शैतान दाखिल नहीं होता। जामिया तिर्मिज़ी से ये हदीस है, ये सूरह बकरा की फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, तो किताब से मुराद पुराने हकीम है जिसमें कोई शक नहीं है। ये हक है, ये सच है, इसका हर्फ हर्फ सच है। दलिल मुत्तकीना, मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो इस कुरान करीम में मुत्तकियों के लिए हदायत है। अल्लज़ीना युक्मिनूना बिलगैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, तो मुत्तकी कौन लोग हैं? ये मुत्तकियों की सफात आई है कि वो लोग मुत्तकी हैं, कि वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं
और जब जो हमने इन्हें रिज्क दिया उस रिज्क में से खर्च करते हैं, तो गायब पर जो लोग ईमान लाते हैं, तो गायब क्या है, हमारे ईमान का बेशतर हिस्सा जो है वो गायब है। अल्लाह ताला गायब है, फरिश्ते गायब हैं, तो आखरत यौमे आखरत गायब है, यानी दोजख जन्नत जो है वो गायब है, क़यामत गायब है, अर्शे इलाही गायब है। तो गायब क्या है, ऐसी चीजें जो ख्वासे खमसा से ना जानी जा सकें वो गायब। तो हमारे ईमान का बेशतर हिस्सा गायब है। तो मुत्तकी जो गायब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, तो नमाज को कायम करते हैं, कैसे कायम करते हैं, पूरी शरायत के साथ कायम करते हैं, अदब अदाब के साथ नमाज को कायम करते हैं, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज को कायम करते हैं, और जो हमने इन्हें रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। तो जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है, यानी पूरे कुरान में हम यही बात पढ़ेंगे कि रिस्क अल्लाह ने दिया है। आज जो बंदा कहता है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो रिस्क अल्लाह की देन है। मेहनत चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कितनी भी कर ले, अगर नसीब में नहीं है रिस्क तो नहीं मिलेगा। तो माल किसने दिया है, अल्लाह का दिया हुआ है। तो जो उस अल्लाह के दिए में से खर्च करते हैं, तो उन मुत्तकियों के लिए हदायत है। और अगली आयत नंबर 4 है, और जो इस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया और आखरत पर वही यकीन रखते हैं, तो जो इस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, तो आप पर नाजिल किया हुआ कुरान पाक नाजिल हुआ और आपसे पहले नाजिल हुआ आसमानी किताबें जो आप पर से पहले दूसरे अंबिया पर नाजिल हुई, तो मुत्तकी इन सब पर ईमान लाते हैं और यौम आखरत पर ईमान लाते हैं। तो इन मुत्तकियों के लिए ही इस कुरान में हदायत है। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फला पाने वाले हैं। तो फला और कामयाबी का दारोमदार क्या है, यही सफात हैं, मुत्तकी हैं। दुनिया में कामयाबी के बहुत से और भी तरीके हैं, लेकिन मुत्तकी लोग जो हैं, ये उनकी सफात आई हैं। जिन जिन लोगों में ये सफात हैं, तो अल्लाह के नजदीक वो हदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं, फला पाने वाले हैं। अगली आयत है, आयत नंबर 6 है, 7 है, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया उन पर बराबर है कि आप इन्हें डराया हो या ना डराया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, उनकी कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। आयत नंबर 5 तक हमने मुत्तकियों की सफात देखी और उनका अंजाम भी देखा कि वो क्या हैं, वो फला पाने वाले हैं, वो हदायत पर हैं। लेकिन इन दो आयात में हमने देखा कि जिन लोगों ने कुफर किया, यानी काफिर, काफिर कौन है, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इनकार करते हैं, तो काफिर काफिर के लिए बराबर है, आप उनको डराओ या ना डराओ। और फिर क्या है कि उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, तो क्यों नहीं वो ईमान लाते, क्योंकि उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगी हुई है। तो जब किसी चीज पर मोहर लग जाती है, तो मोहर लग जाती है, तो हदायत वहां अंदर नहीं जा सकती, अंदर का कुफर भी बाहर नहीं आ सकता। तो उनके कानों पर मोहर है, उनके दिलों पर मोहर है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और इनका अंजाम भी अल्लाह ने बताया है कि इनके लिए क्या है, अजाब अजीम है इनके लिए। अगली आयत है, 8 नंबर की आयत है। अगली आयतें, जितनी भी आयतें हम 20 नंबर तक की आयत पढ़ेंगे, उसमें एक तीसरी जमात का जिक्र आएगा, वो क्या है, वो मुनाफिकीन हैं। जमातों को हमने देखा, मुत्तकियों को देखा जो अल्लाह की तरफ से हदायत पर हैं, दूसरी जमात जो है वो काफिर हैं, कुफर करने वाले हैं, और तीसरी जमात का जिक्र है। आयत नंबर 8 से शुरू होगा, बाकी की 20 नंबर तक की आयत में ये जिनका जिक्र है वो मुनाफिकीन हैं, और उनकी यहाँ पर सिफात आई है, हम इन सिफात से उनको पहचानेंगे, उन मुनाफिकीन को। और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं। वो अल्लाह को धोखा देते हैं, और उन लोगों को जो ईमान लाए हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे और वो शऊर नहीं रखते, उनके दिलों में एक बीमारी है। तो अल्लाह ताला ने उनको बीमारी में ज्यादा कर दिया, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने वाजिया किया है कि मुनाफिकीन
जो बज़ाहिर तो वो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान, तो जो ये कहे तो फिर वो क्या है, हम तो यही समझते हैं वो मोमिन है, लेकिन अल्लाह ने कहा वो मोमिन नहीं, तो फिर वो मोमिन क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह बता रहे हैं कि उनके दिलों में बीमारी है। क्या बीमारी है? शक की बीमारी है, क्योंकि जहाँ शक होता है फिर वहां यकीन नहीं होता, और ईमान का ताल्लुक यकीन से है। तो उनके दिलों में किसकी बीमारी है? शक की बीमारी है, शुबहात की बीमारी है, कुफर शिर्क की बीमारी है। तो क्योंकि उनके दिल बीमार हैं तो फिर क्या है कि अल्लाह ने उनकी बीमारी को और ज्यादा कर दिया, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं ना। बाहर वो मुसलमानों को कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं है। इस आयत में अल्लाह ने वाजिया किया, और ये भी वाजिया किया कि उनके दिल में बीमारी है, क्योंकि दिल उनके साफ नहीं है, अंदर से दिलों में उनके खोट है, और फिर उनका भी अंजाम सामने है कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों अजाब है? इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो धोखा दे रहे हैं ना मुसलमानों को, कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम मुस्लिम हैं, अंदर से वो मुनाफिक हैं। इन्हीं के बारे में अगली आयत भी हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं यकीनन कि यकीनन हम इसलाह करने वाले हैं। सुन लो, दर हकीकत वही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो नहीं समझते। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, जिस तरह लोग ईमान लाए, तो कहते हैं क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए हैं। सुन लो, बेवकूफ तो दरअसल वो ही लोग हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं, और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने सरदारों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनसे मजाक करता है, उनको ढील दे रहा है, वो अपनी सरकशी में अंधे बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये मुनाफिकीन हैं, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, जिस तरह लोग ईमान लाए, कौन लोग ईमान लाए? असहाबे रसूल ईमान लाए, जितना पुख्ता वो ईमान लाए वैसा ईमान लाओ। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम इस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए। आयत नंबर 16 है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना उनकी तजारत उनके लिए नफामंद हुई और ना ही वो हदायत पाने वाले हैं। उनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसने आग जलाई, जिसने आग भड़काई, तो जब उसने उसके इर्द गिर्द की चीजों को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो नहीं देखते। तो यहाँ अल्लाह ने मिसाल देकर इन मुनाफिकीन की कैफियत को या इनकी बातों के लिए इनको मिसाल देकर, यहाँ इनकी मिसाल देकर समझाया है। तो यहाँ ये मिसाल दी गई है, कुरान में हम मिसालों को देखेंगे, हर लेवल की मिसाल अल्लाह ने दी है समझाने के लिए, कुरान पर गौर व फिक्र करने के लिए। जी आयत नंबर 18 है, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं पलटते। तो मुनाफिकीन के लिए आया है, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं पलटते। कहाँ नहीं पलटते? ईमान की तरफ नहीं पलटते। तो वो बहरे हैं यानी वो कानों से बहरे हैं, कान तो उनके हैं, सुन रहे हैं सब कुछ, तो बहरे हैं। किस चीज से बहरे हैं? हक सुनने से बहरे हैं। और वो किसने है? वो गूंगे हैं, हक को बयान करने से गूंगे हैं, हक बात कहने से गूंगे हैं, और वो अंधे हैं। तो किस चीज से अंधे हैं? क्योंकि उनको हक दिखाई नहीं। जैसे कि सूरह हज की आयत नंबर 46 है, यकीनन आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। तो दिल अंधे हो जाते हैं, आंखें तो उनकी भी हैं, मुनाफिकीन की देख रहे हैं, तो फिर वो क्यों अंधे? अल्लाह ने उनको कहा क्योंकि दिल अंधे हैं, उनके दिलों को नजर ही नहीं आ रहा, हक नजर ही नहीं आ रहा। और अगली आयत है, अल्लाह ने फिर मिसाल दी है, ये जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश जिसमें तारीकियां हैं, गर्ज और चमक है, वो मौत के डर से करकने वाली बिजलियों से अपनी उंगलियां अपने कानों में डालते हैं, और अल्लाह ताला काफरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचक ले, जब कभी उनके लिए रोशनी करती है तो वो इसमें चल पड़ते हैं, और जब उनके लिए अंधेरा करती है तो वो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर उनकी समात और उनकी बसारत को ले जाता, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। यहाँ 20 नंबर की आयत तक हमने देखा मुनाफिकीन की सिफात जो आई है इस कुरान में, कि हम मुनाफिकीन को कैसे
जानेंगे। और फिर दो अल्लाह ने मिसालें भी दी हैं मुनाफिकीन के लिए, ये के मुनाफिकीन के लिए ये दोनों मिसालें आई हैं। आयत नंबर 21 है, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो। तो इंसान को पैदा करने का यहाँ मकसद बयान अल्लाह ने किया है इस आयत में कि ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो। तो क्यों करें रब की इबादत? इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा, तो जब खालिक वो है, पैदा करने वाला वो है, तो फिर हक उसका है कि उसी की ही इबादत की जाएगी। और सारे अंबिया की दावत का बुनियादी मकसद, बुनियादी नुक्ता भी यही था कि ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, यानी तुम मुत्तकी हो जाओ। और आयत नंबर 22 है, आयत नंबर 23 है, वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उससे तुम्हारे रिस्क के लिए कई तरह के फल पैदा किए, चुनाचे जब तुम ये जानते हो तो अल्लाह का कोई शरीक ना बनाओ। तो अल्लाह ने जहाँ अपना पहले तारुफ करवाया है कि लोग रब की इबादत करो, और वजह भी अल्लाह ने बताई है कि उसने तुम्हें पैदा किया, और आगे भी अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है, आसमान को छत बनाया है, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल किया। तो ये सब काम किसने किए? अल्लाह ने किए हैं। फिर इबादत का हक किसको है? अल्लाह का। अल्लाह क्या है? अल्लाह क्या कहते हैं इस आयत में कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, क्योंकि शरीकों में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तो जब कोई और ये काम नहीं कर सकता तो फिर जो कर रहा है तो इबादत का हक उसी का है। और अगली आयत है आयत नंबर 23, और अगर तुम इस बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो उस जैसी एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के मां सिवा अपने हमायतियों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो अगर तुम सच में, अगर तुम शक में हो तो किस चीज के बारे में शक में हो जो हमने नाजिल किया, यानी ये कुरान, इसके बारे में अगर तुम्हें कोई शक है तो फिर क्या है? इस जैसी एक सूरत तुम भी बना लो और बहुत से लोगों को इकट्ठे कर लो अपने हमायतियों को। अल्लाह ने तो अकेले ये कुरान नाजिल किया, तुम जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लो, एक ही सूरत ले आओ। और सूरत की भी अल्लाह ने वजाहत नहीं की कि बड़ी सूरत ले आओ, छोटी ही ले आओ, तीन आयत वाली ही सूरत ले आओ। तो एक सूरत ही ले आओ और खुद भी कर लो या अपने हमायती भी साथ लगा लो। और फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, और अल्लाह को यकीन है कि इंसान ये काम कर ही नहीं सकता, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन क्या है? इंसान है और पत्थर है। आयत नंबर 25 है, और उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कि यकीनन उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जब कभी उनमें से कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये वही फल है जो इससे पहले भी हमें दिए गए थे, और इन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीबियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो तस्करा है जन्नत का, मुत्तकियों के ठिकाने का, कि उनके लिए खुशखबरियां हैं जो ईमान लाए हैं, वो ऐसे बागात में होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। तो नहरें जन्नत की नहरें, जन्नत में शहद की नहरें होंगी, पानी की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शराब की नहरें होंगी, और फिर वहां पे फल दिए जाएंगे, तरह तरह के फल, ऐसे फल दिए जाएंगे जो देख के इंसान जो है वो कहेगा इस जैसा शायद वो फल मैं दुनिया में भी खाता था। और फिर वहां पर पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां पर क्या है? हमेशा रहेंगे, वहां से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा जन्नत ही जन्नत में हमेशा रहेंगे, दोस्त की दोस्त में हमेशा रहेंगे। क्योंकि मरने के बाद फिर क्या है? मौत नहीं है। जिंदगी तो है मरने के बाद, लेकिन मौत नहीं। जी आयत नंबर 26 है, और यकीनन अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो मच्छर या उससे भी ऊपर किसी चीज की मिसाल बयान करे, बस जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं के ये यकीनन वो उनके रब की तरफ से हक है, लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया तो वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है। अल्लाह ताला इसके जरिए बहुत सों को गुमराह करता है, बहुत सों को हदायत देता है, और वो इसके साथ फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता।
आयत नंबर 27 है, वो जो अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और वो उसे काट देते हैं जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए, और जमीन में फसाद करते हैं, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो लोग जो अल्लाह के से अहद करने के बाद तोड़ देते हैं, तो अल्लाह से अहद करना क्या है? अल्लाह से अहद करना यही है कि अल्लाह के साथ जो है अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। तो ये अहद जो है वो बंदा अल्लाह से करके आया है अपनी पैदा होने से भी पहले, जिसको हम अहद-ए-अलस्त कहते हैं। तो जो अल्लाह के साथ अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं, इससे मुराद आम अहद भी हैं जो लोग करते हैं, और फिर इसके साथ जिसको और उसे काट देते हैं जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया। तो किस चीज को काट देते हैं? जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि उससे मिलाया जाए। तो इससे मुराद जो है वो हमारे रिश्ते हैं, इससे मुराद सिला रहमी है, इससे मुराद हमारी रिश्तेदारियां हैं। हदीस रसूल है, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सही मुस्लिम से ये हदीस है 652 नंबर की। और फिर हम देखते हैं और जमीन में फसाद करते हैं, जैसे कि इसी में हम देखते हैं। तो जमीन का फसाद क्या है? क्योंकि हम कुरान की इस जबान में बहुत पढ़ेंगे जमीन का फसाद क्या है। जमीन पे कुफर करना, जमीन पे शिर्क के काम करना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये सब क्या है? ये जमीन का फसाद है। और इसमें आगे बढ़कर क्या है कि अल्लाह के रास्ते से अल्लाह के लोगों को रोकना, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी काम होता है कि वो अल्लाह से मिलाने की बजाय, अल्लाह का रास्ता दिखाने की बजाय लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो खसारा उठाने वाले हैं। यहाँ पर इसी आयत में उसका अंजाम भी अल्लाह ने बताया है कि वो खसारा उठाने वाले हैं। कुरान की एक लैंग्वेज है, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसकी आयत को शुरू करते हैं, तो खताब है, ठीक है, किन लोगों से खताब है, फिर आगे का हुक्म भी उन लोगों के लिए होता है। कभी तो अल्लाह सब लोगों से खताब करते हैं, कभी अल्लाह सिर्फ ईमान वालों से खताब है, वो हुक्म सिर्फ ईमान वालों के लिए होता है। हुक्म के बाद फिर अंजाम की भी बात होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, जो रिश्तेदारियों को नहीं मिलाते, जो जमीन में फसाद करते हैं, तो अल्लाह ने उनका अंजाम बताया है कि वो क्या हैं, वो हसारा उठाने वाले हैं। अगली आयत है, तुम कैसे अल्लाह के साथ कुफर करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, तो उसने तुम्हें जिंदगी अता की, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो दिलाई, बस उसने उनको दुरुस्त करके सात आसमान बना दिए, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। यहाँ से हमने देखा दो दफा की जिंदगी और दो दफा की मौत है, ठीक है। यहाँ से पिछले आय से हमने देखा दो दफा की जिंदगी और दो दफा की मौत है, और आयत नंबर 30 है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, यकीनन तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, यकीनन मैं जमीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ,